अभी तो माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ उम्मीद है कि कुछ समय जब दिन नजदीक आ जाएंगे त्योहारों के, तो उम्मीद हम लोग को लग रहा है कि दुकानदारी ठीक होगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो हुदहुद तूफान आया तो लोग उससे इतने भयभीत हो गए थे, आम जनता से लेकर व्यापारी वर्ग तक के, कि आगे फ्यूचर क्या होगा करके, इस साल हम लोग दीपावली मना पाएंगे नहीं मना पाएंगे करके। लेकिन जब से मौसम साफ हुआ और कल गुरु पुष्प नक्षत्र था, उस वजह से भी लोगों का रुझान बढ़ा है, सोने चांदी से लेकर के आपके मिट्टी के सामानों में, टेराकोटा के आइटमों में, और नई नई वेराइटियां जो है, हालांकि माल में भी लगी हुई है कुछ दुकानें, कुछ राजेंद्र राव सभा भवन में भी प्रदर्शनी लगी हुई है, उसके बावजूद भी लोग फुटपाथ पर लेना इसलिए पसंद करते हैं कि जो माल में क्या रेट है और जो राजेंद्र हाल का जो रेट है, क्योंकि वहां उनको इतनी ज्यादा मतलब भाड़ा देना पड़ता है लाइटिंग का, नौकर चाकरों का, लेबरों का, इस वजह से उन लोग हम लोग से 5 गुना 6 गुना में माल उन लोग सेल करते हैं, और हम लोग क्या है कम प्रॉफिट लेकर के और अच्छा से अच्छा छोटा से छोटा सामान भी हम लोग कम बजट में लेकर के आते हैं और अपने ग्राहकों को देते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम नई नई चीजें लेकर के आए और अपने नगर वासियों को हम लोग दें। वैसे करके ज्यादा करके यहाँ आसाम का जो दिया आता है और जो बंगाल का दिया है, फैंसी दिया, लोग उसके ऊपर ज्यादा आकर्षित होते हैं।